दोस्तों क्या आप भी अपने व्हाट्सएप में कुछ इस तरीके से जो है वो मैसेज करना चाहते हो, मान लो कि ये जो है वो जैसे कि मैं हाय भेजना चाहता हूँ तो इस तरीके से हाय जो है वो मैंने भेज दिया, या मैं कोई भी कुछ भी लिखना चाहता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू, तो ये भी जो है वो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो दूसरे को भेजना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों अगर आप भी जो है वो अपने व्हाट्सएप में कुछ इस तरीके की सेटिंग करना चाहते हो कि आपके मैसेज जो है वो दूसरे बंदे को कुछ इस तरीके से जो है वो जाए, तो आप अपने व्हाट्सएप में ये सेटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं, यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो किसी को भी व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज कैसे भेज सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, दोस्तों उसके लिए जो है वो अगर आप जो है वो व्हाट्सएप में सेटिंग ढूंढोगे तो आपको व्हाट्सएप में ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं मिलेगी जिससे जो है वो आप इस तरीके से जो है वो किसी को भी मैसेज भेज सके। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको जो है वो सिंपली से प्ले स्टोर में जाना होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा और तभी आप जो है वो उस तरीके से मैसेज कर पाओगे। आपने करना क्या है, यहां पर आपने सर्च करना है बबल कीबोर्ड, तो आपने ये लिखकर जो है वो सर्च कर देना। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च कर दोगे उसके बाद में आपने जो है इस कीबोर्ड को जो है वो आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, जैसे ही दोस्तों आप इसे इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद में आपने जो है इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आपका ये ऐप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपने करना क्या है, आपने इसे ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं इस ऐप को जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ये ऐप है, मैं इस पर जो है वो क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में फिर आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने करने क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो अलो कर देना है, उसके बाद में भी आपने अलो कर देना है। अलो करने के बाद में दोस्तों आपके पास जो है वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में चलेगा, उसके बाद में आपके पास जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में आपको दिखेगा यहाँ पर जो है वो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद में आपको जो है वो सेकेंड नंबर पर यहाँ पर दिखेगा अनेबल वोवल कीबोर्ड, तो आपने सिंपली से यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके फ़ोन की सेटिंग जो है आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, जहाँ पर आपको ये दिख रहा है वोवल कीबोर्ड, तो आपने इस सेटिंग को जो है वो ऑन कर देना है। जैसे कि मैं इस सेटिंग को ऑन कर देता हूँ उसके बाद में जो है वो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो मेरे पास जो है यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, तो मैं बबल कीबोर्ड वाले ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा उसके बारे में नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद में दोस्तों आपने बैक जाना है, बैक जाने के बाद में आपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद में मान लो कि अगर आप किसी को भी मैसेज भेजना चाहते हो, मान लो कि मैं इसी बंदे को जो है वो फिर से मैसेज करना चाहता हूँ, तो मैं इसी बंदे को जो है वो उस तरीके से मैसेज करना चाहता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पर जो है वो और कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या हाल है, जैसे कि मैं ये लिख कर जो है यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये लिख कर करूँगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर जैसे कि आ गया है क्या हाल है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा था क्या हाल है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है वो दूसरे बंदे को मैसेज चला गया है। तो दोस्तों ऐसे आप जो है वो व्हाट्सएप में किसी को भी जो है वो इस तरीके से जो है वो मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।